दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो 40,000 रुपीज की प्राइस रेंज में आते हैं। वैसे इस प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे लैपटॉप्स मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से मैंने आपके लिए 5 ऐसे लैपटॉप सिलेक्ट किए हैं जो पावरफुल प्रोसेसर के साथ आते हैं, जिनमें आप सभी बेसिक टास्क तो आसानी से कर सकते हैं, साथ ही वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिसेंट लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी इतने पावरफुल हैं कि इनमें आप GTA 5 जैसे गेम्स भी 1080p नॉर्मल सेटिंग्स पर 40-50 FPS के साथ खेल सकते हैं। वैसे इनमें से एक लैपटॉप 16GB के रैम के साथ आता है, तो आपको अगर ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही इनमें आप इन फ्यूचर रैम और स्टोरेज को भी अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप भी इस प्राइस में कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी और अपने बजट के अकॉर्डिंग एक बेस्ट लैपटॉप सिलेक्ट कर पाओगे। साथ ही देखेंगे इन सभी की डिटेल, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और जानेंगे आपके लिए कौन सा लैपटॉप लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर आता है लेटेस्ट लिनोवो थिंकबुक 15। इसमें आपको लिनोवो आईडियापैड सीरीज से थोड़ी बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलती है, साथ ही एल्यूमिनियम टॉप कवर और फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे नए फीचर्स को भी ऐड किया है। इसमें आपको डिसेंट फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और एक पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, जिसमें आपके सभी हैवी टास्क एकदम स्मूथली हो जाते हैं। यह आता है 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 220 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। साथ ही इसमें AMD Ryzen 3 5300U 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, जिसमें 2.6 GHz की बेस्ट फ्रीक्वेंसी, 3.8 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी और AMD Vega 6 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें 32,000 MHz 8GB DDR4 RAM, 512GB की NVMe M.2 SSD, इसमें आप RAM को 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं और स्टोरेज को भी 2TB तक एक्सपेंड कर पाओगे। उसी के साथ Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन, 2W के ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी ऑडियो, फिंगरप्रिंट सेंसर, मल्टी जेस्चर टचपैड, HD वेबकैम और कैमरा सेटर जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI, RJ45 पोर्ट, SD कार्ड स्लॉट, 2 USB टाइप सी पोर्ट और 2 USB 3.1 पोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 45 वॉट आवर्स 3 सेल लिथियम आयन बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलती है, जिसमें लगभग 5-6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। Amazon पर यह अभी 37,000 रुपीज में मिल रहा है, जिसे आप कार्ड ऑफर के साथ और भी कम प्राइस में परचेस कर सकते हैं। ये एक पावरफुल लैपटॉप है जो इस प्राइस में डिसेंट फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के साथ आता है और इसे आप इन फ्यूचर काफी हद तक अपग्रेड भी कर सकते हैं। वैसे इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आता है HP 15S या फिर आप HP 14S के साथ भी जा सकते हैं। दोनों ही लैपटॉप में आपको सेम ही प्रोसेसर मिलता है। HP 14S 14 इंचेस की कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, बैकलेट कीबोर्ड और IPS LCD डिस्प्ले के साथ आता है। वही HP 15S में आपको 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन बैकलेट कीबोर्ड आपको इसमें नहीं मिलेगा। उसी के साथ इसमें AMD Ryzen 3 5300U 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, जिसमें 2.6 GHz की बेस्ट फ्रीक्वेंसी, 3.8 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी और AMD Vega 6 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। इसके अलावा याद है 32,000 MHz 8GB DDR4 RAM, 512GB की NVMe M.2 SSD, इसमें भी आप RAM को 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, उसी के साथ स्टोरेज को भी 2TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Office 2019 के लाइसेंस वर्जन, इनबिल्ट Alexa, HD वेबकैम और मल्टी जेस्चर टचपैड जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, एक USB टाइप सी पोर्ट, SD कार्ड रीडर और 2 USB 3.2 पोर्ट्स दिए गए हैं। इसमें 41 वॉट आवर्स 3 सेल लिथियम आयन बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलती है, जिसमें 4-5 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। वैसे इसकी प्राइस 37,000 रुपीज है, जो कार्ड ऑफर के साथ 35,000 के आसपास मिल जाता है। इसके अलावा HP 14S भी आपको 40,000 के करीब मिल जाएगा। प्राइस के अकॉर्डिंग दोनों ही लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप चाहिए तो आप HP 14S के साथ जा सकते हैं, और अगर आपका बजट कम है तो HP 15S आपके लिए सही रहेगा। वैसे दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है Asus VivoBook Ultra K14। दोस्तों एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप है जो Asus की टॉप सेलिंग मॉडल में से एक है, साथ ही इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। याद है 14 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 220 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। साथ ही इसमें इंटेल i3 1125G 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, जिसमें 2 GHz की बेस्ट फ्रीक्वेंसी और 3.7 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ इंटेल आईरिस एक्सी के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें 32,000 MHz 8GB DDR4 RAM, जिसे आप 12GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, 512GB की NVMe M.2 SSD प्लस एक्स्ट्रा PCIe स्लॉट, उसी के साथ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन, HD वेबकैम, फिंगरप्रिंट सेंसर और मल्टी जेस्चर टचपैड जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, एक USB टाइप सी पोर्ट, एक USB 3.0 पोर्ट और एक USB 2.0 पोर्ट मिल जाएंगे।
वैसे इसमें 42 वॉट आवर्स 3 सेल लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसमें लगभग 5 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। फिलहाल ये अमेजोन पर 41,000 रुपीज के आसपास देखने मिल रहा है, जो कार्ड ऑफर के साथ आपको 40,000 के अंदर आसानी से मिल जाएगा। अगर आप एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप पावरफुल प्रोसेसर के साथ चाहते हो तो डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपके सभी हेवी टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग और प्रोग्रामिंग एकदम स्मूथली हो जाएंगे। वैसे इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आता है Acer Aspire 3। दोस्तों इस लिस्ट का यही लैपटॉप है जिसमें आपको 16GB की रैम प्री इंस्टॉल मिलती है, साथ ही प्रोसेसर भी इसमें आपको डिसेंट मिल जाएगा, जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग करने में कैपेबल है। वैसे इसमें 16GB के रैम होने की वजह से सभी प्रोडक्टिविटी काम जैसे कोडिंग, प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन डेवलपिंग और एडिटिंग एकदम स्मूथली कर पाओगे। या तो 15.6 इंचेस की फुल एचडी टीएफटी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। साथ ही इसमें Ryzen 3 5300U 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, जिसमें 2.6GHz की बेस फ्रीक्वेंसी, 3.8GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी और AMD Vega 6 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें 16GB की DDR4 RAM, 512GB की NVMe M.2 SSD, जिसे आप 2TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। वैसे इसमें एक एक्स्ट्रा सेटा स्लॉट भी मिल जाएगा। उसी के साथ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन, HD वेबकैम, मल्टी जेस्टर टचपैड और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, RJ45 पोर्ट, एक USB 2.0 पोर्ट और 2 USB 3.2 पोर्ट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें 36 वॉट आवर्स 2 सेल लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसमें 4-5 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगा। यह था 37,000 रुपीज के प्राइस के साथ, जो अमेजोन पर कार्ड ऑफर के साथ 35,000 रुपीज के अंदर मिल जाता है। इसकी प्राइसिंग और रैम की वजह से इसे मैंने नंबर 2 पर रखा है, क्योंकि इस प्राइस में आपको 16GB की रैम प्री इंस्टॉल मिलती है, साथ ही इन फ्यूचर आप इसमें HDD भी अपग्रेड कर सकते हैं, तो इस प्राइस में बेस्ट फीचर्स ऑफर कर रहा है और मेरी तरफ से भी आपको हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। इसमें आप डिसेंट लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं। वैसे इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसे डायरेक्टली चेकआउट कर पाओगे। अब चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पर आता है Honor MagicBook 14। दोस्तों इस लिस्ट की सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले और सबसे पावरफुल प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाएगा। उसी के साथ बैकलेट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, मेटल बिल्ड क्वालिटी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स भी आपको इसी में ही देखने मिलते हैं। यह था 14 इंचेस की फुल एचडी IPS LCD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसमें आपको डिस्प्ले क्वालिटी बेस्ट लेवल की मिल जाएगी। साथ ही इसमें Ryzen 5 5500U 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, जिसमें 2.1GHz की बेस फ्रीक्वेंसी, 4GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी और Vega 7 की इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। दोस्तों ये प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड इतने कैपेबल है कि इसमें आप ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डिसेंट लेवल की गेमिंग और सभी हेवी टास्क एकदम स्मूथली कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा कोर होंगे उतनी ही मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 32,000 MHz 8GB DDR4 RAM, 512GB की NVMe M.2 SSD, इसमें आप रैम और स्टोरेज को अपग्रेड नहीं कर सकते। उसी के साथ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, HD पॉपअप कैमरा, बैकलेट कीबोर्ड, 2-in-1 फिंगरप्रिंट सेंसर और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, USB टाइप सी पोर्ट, एक USB 3.0 पोर्ट और एक USB 2.0 पोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 55 वॉट आवर्स की बैटरी 65 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलती है, जिसमें लगभग 8-10 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगी। यह था 41,000 रुपीज के प्राइस के साथ, जो कार्ड ऑफर के साथ आपको 40,000 के अंदर मिल जाता है। प्राइस के हिसाब से तगड़े फीचर्स ऑफर कर रहा है और एक वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। वैसे Ryzen 5 5500U प्रोसेसर वाले लैपटॉप 50,000 के करीब देखने मिलते हैं, तो डेफिनेटली इस प्राइस में सबसे बेस्ट डील है, जिसे आप बिना किसी इशू के परचेस कर सकते हैं। वैसे इन सभी की बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप जो 40,000 रुपीज के प्राइस में आते हैं। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।